खुदों के जो लोग हैं यहाँ पर, हमारे ऑनरेबल काउंसिल अपर लेट सपक जी हैं, उसकारा के गोबा हैं, सोनम जी हैं यहाँ पर, हमारे मन श्रेणी के गोबा हैं यहाँ पर, शासन लोग हमारे प्रेजिडेंट साहब हैं, वार्ड मेंबर हैं, सारे लोग, पूरा ले खुदों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम प्रशासन के पास मिशन ग्राउंड, यहाँ पर एक मिशन ग्राउंड है जो लीगली यहाँ पर शक्शालु कमेटी के हाथ में सौंपा गया है, उसमें कोई पूरा लीगली उनको दिया गया है। इन्होंने चिट्ठी लिखा था अप्रैल के महीने में कि प्रशासन को यह बताया था कि उनको जागरूक किया था, यहाँ पर घंटा लगा हमें कोई सुनने के लिए आया नहीं, मजबूरन हमें लोगों को खड़ा करना पड़ा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए जिस तरह से यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों का यहाँ पर विस्तार हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है, ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसके पीछे जो भी लोग लगे हुए हैं गाड़ी लेके, अब देखिए यहाँ पर कैंपर शंपर लेके, पंजाब का नंबर, यहाँ पर राजस्थान से आया हो या किसी भी राज्य से आया हो, यहाँ पर जो यहाँ पर कोई स्लम का कोई था नहीं, यहाँ पर कौन से यहाँ पर स्लम क्रिएशन हो रहे हैं यहाँ पर, क्या हम देखते रहे चुपचाप खड़ा रहे और इसको जिस तरह से एंक्रोचमेंट हो रहा है उसी तरह होता रहे? तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनता है कि इस तरह से एंक्रोचमेंट ना होने दे यहाँ पर। आज मजबूरन लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा, आज मजबूरन लोगों को सड़क पे आके प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो हम नहीं चाहेंगे कि इस तरह से जोर जबरदस्ती करके यहाँ पर लोगों को, जो लीगली जो किसी को दिया गया है, जो यहाँ पर क्रिमिनेशन ग्राउंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे जितने भी यहाँ पर क्रिमिनेशन हुआ है यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर इस तरह से हाँ एडमिनिस्ट्रेशन को जहाँ तक ले ब्यूटिफिकेशन की बात है, ले को किस तरह से ठीक करना उसकी बात है, हमने हमेशा प्रशासन को साथ दिया है, प्रशासन के साथ हम खड़ा है, पर इस तरह से इलीगल एंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए कि ये जो है यहाँ पे हमारे पूर्वजों का यहाँ पे शमशान घाट, यहाँ पे हमारे दादा परदादा उनका यहाँ पे यहीं पे कब्र है, और यहाँ पे ना होने की वजह से उनको अपने किराए वाले घर से निकाला गया था। तो हमें ये बताइए कि इनके पास क्या टॉयलेट है, ये टॉयलेट कहाँ कर रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों के कब्र के बगल में कर रहे हैं। तो अभी ये भी सोचना चाहिए, सिर्फ ये नहीं सोचिए ना, अभी अगर इनको तंबू ही गाड़ना तो कहीं और भी गाड़ सकते हैं, गवर्नमेंट इनको हेल्प कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, म्यूनिसिपल कर सकती है, हम दोनों तरफ देखना चाहिए हमें। और यहाँ लोगों को इनको पानी का सुविधा दिया है, ठीक है, पानी का सुविधा जरूरी है। अब जो नीचे या जो हमारे यहाँ पर मोहल्ले के लोग हैं, मनसिंग के लोग हैं, पिछले 40-50 साल से यहाँ पर बसे हुए हैं, अभी तक उनको पानी का सुविधा एक नल नहीं बिछा गया यहाँ पर। अब यहाँ पर नंबर दर वार्ड मेंबर इनको पूछिए जरा, यहाँ पर नल का सुविधा इनको दिया गया है? हम नहीं कहते मत दो, जरूरी है, देना चाहिए, मगर प्रशासन जिस ऑनरेबल काउंसिल ने कहा इनको जहाँ भी वो करना है, आप देखिए हमारे जिस तरह से एक इलीगली किसी के जगह पे आके कब्जा करके इस तरह से स्लम का जो डेवलप हो रहा है यहाँ पर, और चुपचाप इस तरह से ना होने दे। लद्दाख में क्या ऐसा स्लम सुना आपने? हमने इनको आप कहाँ से, ये लोग आए जहाँ राजस्थान से है, कहते वहाँ गर्मी ज्यादा बोल रहे हैं, अभी मैंने किसी से बात किया, कहते वहाँ में गर्मी लग रहा है, कहते हम लोग यहीं पैदा, अलग गर्मी लग रहा है तो आपके लोग तो वहाँ बैठे हैं ना, तो यहाँ पर क्यों कौन ला रहा है इनको, क्यों इन भिखारियों को ला रहा है यहाँ पर ये सब? और ये भिखारी ज्यादा यहाँ ले में होने से टूरिज्म में बहुत इफेक्ट पड़ रहे हैं। अभी जितना भी टूरिस्ट ले में आ रहे हैं घूमने, उनके पीछे ये बैगर्स के बच्चे लोग पीछे पड़ जाते हैं, टी शर्ट खींचना, कोट खींचना, रूम तक पहुंच जाते हैं, टैक्सी में ये लोग गाड़ी को आगे चलने नहीं देता है, ऐसा करके मांगना शुरू कर देता है, इससे टूरिज्म में बहुत फर्क हो रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन टूरिज्म के लिए बहुत कुछ कर रहा है, डेवलपमेंट के लिए कर रहा है, बोल रहा है, बता रहे हैं, मगर इस चीज जो बेसिक चीज में एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में नहीं आएगा तो टूरिज्म के लिए आने वाले दिनों में बहुत फर्क पड़ना है।